अस्सलामुअलैकुम क्लास फोर, कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 25, थर्सडे। 3 डेट है 3 सितंबर। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, मेजरमेंट। आसान है चैप्टर, थोड़ा इंटरेस्ट रह के करिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। हमारे पास देखें जी, इसमें क्या है कि कन्वर्ट करना है किलोमीटर को मीटर में। तो हमेशा बेटा याद रखिएगा, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो जब भी बड़े से हम छोटी वाली में जाएंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो देखें किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 39 किलोमीटर है, इसको मीटर में करना है। 39 मल्टीप्लाई 1000, 39000, 405 मल्टीप्लाई 1000, 405000 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास देखें, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया है, किलोमीटर भी है और मीटर भी है। मीटर वाले को एज इट इज़ लिखेंगे और किलोमीटर वाले को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई 1000, और जो पहले से मीटर में कन्वर्ट है उसको प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 45000 प्लस 415, उनको जब ऐड करेंगे तो 45415। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास 4891 किलोमीटर है, इसको 1000 में तब्दील करेंगे तो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 489130 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 900 किलोमीटर, उसको मीटर में करेंगे तो 9 के आगे हमारे पास 5 जीरोज आ जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट है 130 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 119 उसमें ऐड कर देंगे। तो 130 था, उसके आगे 3 जीरोज लगा दिए, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली 3 जीरोज लग जाएंगी प्लस 119 क्या। तो हमारे पास क्या आ गया, 130119 मीटर। नेक्स्ट है कन्वर्ट इंटू सेंटीमीटर्स। अब हमारे पास मीटर से सेंटीमीटर, मीटर अब बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 42 मल्टीप्लाई 100 4200 मीटर, 8815 मल्टीप्लाई 100 तो 81500 आंसर आ जाएगा। मीटर साथ में आप लोग लगा देंगे, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर से। नेक्स्ट पार्ट है 12 मीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को एज इट इज़ एंड देंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 1200 प्लस 80, 1280 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 673, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 673 आ जाएगा सेंटीमीटर में। 93 मीटर है, 93 मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में तो 9300 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट 35 मीटर 42 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू ऐसे ही ऐड कर देंगे, 35 मल्टीप्लाई 100, 3500 प्लस 42, 3542 इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। यहाँ पे भी सेंटीमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे भी 15 मल्टीप्लाई 10 158 मल्टीप्लाई 10 80 मीटर, फिर 18 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर को ऐसे रहने देंगे, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 5 185, 213 मल्टीप्लाई 10 2130 मिलीमीटर, 71 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 710 प्लस 7 717 मिलीमीटर, 35 मल्टीप्लाई 10 350 प्लस 12 362। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमारे पास इनको कन्वर्ट करना है 400 किलोमीटर को सेंटीमीटर में। किलोमीटर को पहले हम चेंज करेंगे मीटर में और फिर सेंटीमीटर में। देखें, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए और किलोमीटर को, सॉरी मीटर को फिर सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से। तो ये टोटल जितनी जीरोस बन जाएंगे ना, 2 ये, 3 ये और 2 ये, टोटल हमारे पास 7 जीरोस हैं। तो 4 के आगे वो 7 जीरो लगा दें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 मीटर, उसको मिलीमीटर में करेंगे। 55 को पहले मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और फिर मिलीमीटर में करने से 10 से। तो टोटल कितने जीरोस आ गए, 3, 55 के आगे 3 जीरोस लगा देंगे। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 किलोमीटर, उसको मिलीमीटर में करना है। किलोमीटर से मीटर में 1000, फिर मीटर से सेंटीमीटर में 100 और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में 10। तो ये टोटल हमारे पास 6 जीरोस आ जाएंगे, 91 के आगे ये 6 जीरोस लगा देंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 13 किलोमीटर, 15 मीटर, इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। पहले तो 13 को किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 से मल्टीप्लाई करके, देन हमारे पास मीटर को सेंटीमीटर में 100 से किया, ये मीटर था प्लस इसको कर दिया 15 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर में, ये भी कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 13 के आगे 5 जीरोज़ है, 15 के आगे 2 जीरोज़ आ जाएंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे
तो हमारे पास जो आंसर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, 4 मीटर 29 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। 4 मीटर को पहले हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके, और देन सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करके। ये सेंटीमीटर था, इसको जस्ट मिलीमीटर में करना है, तो 29 मल्टीप्लाई 10 290, और यहाँ पे 4000 में 290 ऐड करेंगे तो 4290 मिलीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 7 किलोमीटर 35 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 7 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 और 35 आर रेडी सेंटीमीटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 के आगे 5 जीरोज आ जाएंगी प्लस 35, तो हमारे पास ये ऐड ओके, तो 700,000 35 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। ये आप लोगों का आज का लेक्चर है, ईजी है, जस्ट बड़े हमारे पास जो स्केल है उससे छोटे स्केल में जाना, यानी कि किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, तो इन सारों में मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। आप लोगों ने इसको सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अपने नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है और प्यारा प्यारा नीट होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।